हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूँ ज़फ़र इकबाल। और भाई, देखने जा रहे एपिसोड 171 का नेक्स्ट पार्ट। तो पिछले पार्ट में जैसा हमने देखा था कि सब देवता को महादेव जी ने बोला कि आप भाई माँ ऋषि दद्दी जी के आश्रम में चले जाएं, तो वो यहाँ आ गए हैं। बाकी आगे करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। और अतुल शस्त्र का रूप धारण कर लेगी। आप सब निश्चिंत रहे। नमामि शमीशान जिर्वारूपं लिखुं व्यापतं ब्रह्मभेद स्वरूपं निराकार मूलं क्या बात। पंचाग्नि की कठिन परीक्षा के पूर्ण होने के पश्चात माता की और कौन सी परीक्षा शेष है प्रभु? जल तत्व की साधना, यह अत्यंत महत्वपूर्ण नदी। जल द्वारा उन संस्कृतियों को निष्प्रभाव किया जाता है जल बनते, जिससे सृष्टि को प्रभावित होती है। पार्वती की जल साधना पूरी होने के पश्चात उसका इन पांच तत्वों पर आधिपत्य हो जाए, जिससे सृष्टि की उत्पत्ति होगी। ये मुश्किल है। ऐसे दृढ़ संकल्प की स्वामिनी, ऐसी समर्पित शिष्य का गुरु होना मेरा सौभाग्य है। तुम्हारी तपस्या शीघ्र ही पूर्ण होगी पार्वती। कल्याण एवं मेरे पूर्वजों की मुक्ति हेतु मैं अनेक वर्षों से पवित्र जल ढूंढ रहा हूं, परंतु आज तक मुझे केवल असफलता ही मिली है। इसी कारणवश मैं आपके पास आया हूं महादेव। मैं तुम्हारी समस्या से भली भांति अवगत हूं। केवल गंगा का ही जल है जो इस धरती को पापों से मुक्ति दिला सकता है, इस धरती का उद्धार कर सकता है, इस पृथ्वी को पुण्य भूमि बना सकता है। जाओ बगिया, ब्रह्म लोक के लिए प्रस्थान कर, गंगा वही है। ब्रह्मदेव तुम्हारे उद्देश्य पूर्ति हेतु तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। भगीरथ जी आप जाएंगे? हे देवी,
मैं आपसे विनती करता हूँ, केवल आप ही के द्वारा धरती का कल्याण हो सकता है। राजा भगीरथ, मैं आपकी किसी प्रकार की सहायता नहीं कर सकती। गंगा, तुम्हारा जीवन धरती के कल्याण हेतु ही तो है, अन्यथा वो उद्देश्यहीन है। शिव के प्रेम से तिरस्कृत हो, मैंने उसी पर निश्चय कर लिया था कि धरती पर मेरा पुनः अवतरण तभी संभव होगा जब स्वयं महादेव मेरा आवाहन करेंगे। क्या कह रहे हैं आप देवी? आप और शिव से प्रेम? ये सत्य है ब्रह्मदेव, मैं शिव से प्रेम करती हूँ और अपना सब कुछ उन्हें समर्पित कर चुकी हूँ। तुम्हारा शिव के प्रति प्रेम निरर्थक है क्योंकि उन्हें पार्वती से विवाह करना है, किंतु तुम्हारा एक वृहद कार्य अभी शेष है। पृथ्वी पर जाना यह भी संपूर्ण घटना चक्र में निर्धारित है। इसी कार्य से तुम्हारे जीवन की उद्देश्य की पूर्ति संभव है देवी। स्वयं महादेव की भी यही इच्छा है देवी। उन्होंने धरती पर पुनः जीवंतता लाने हेतु मुझसे आपके आगमन का आग्रह करवाया है। यदि महादेव की यही इच्छा है तो हम धरती पर अवश्य जाएंगे। किंतु चंद्र प्रवाह को संतुलित करके उसे धरती योग्य बनाने की क्षमता केवल महादेव में है, अन्यथा मेरे आवेग से धरती का विनाश निश्चित है। धरती पर मेरा पुनः अवतरण तभी संभव होगा जब स्वयं महादेव मेरे वेग को धारण करेंगे। आपके सुझाव अनुसार और हमारे आग्रह से गंगा को धरती पर आना तो स्वीकार है, पर उन्हें यह भय है कि उनका वेग नियंत्रण कैसे होगा। इस समस्या का समाधान भी आप ही दे सकते हैं महादेव। ये सत्य है कि गंगा के वेग में कुछ मनोविकार निहित है। यदि उसके वेग को नियंत्रित नहीं किया गया तो संसार में समृद्धि होने के स्थान पर विनाश की ओर अग्रसर हो जाएगा। किंतु ये भी सत्य है, इस धरती का चतुर्मुखी पुनर्विकास केवल गंगा के पवित्र जल से ही संभव होगा। भगीरथ, हाँ, गंगा से कहिए कि पृथ्वी पर उनके अवतरण हेतु उनके वेग को नियंत्रित करने के लिए मैं उन्हें अपनी जटाओं में धारण करूंगा। लो, अब तो खुशी खुशियां हैं। जिस इच्छा पूर्ति के लिए मैं व्याकुल रहती थी, मेरी वो इच्छा पूर्ण हो गई। ब्रह्मदेव, अपनी इस पुत्री को विदा करने की तैयारी कीजिए। पुत्री माना है तुम्हें, विदा कर रहा हूं बिना किसी उपहार के, किंतु तुम्हें ये वरदान देता हूं कि तुम ब्रह्म लोक में ब्रह्म गंगा के रूप में सदैव स्थापित रहोगे। कल्याण
लो भाई, एक बार तो राजा भगीरथ जी भाई काफ़ी, एक बार उनकी कोशिश के बाद देख लो कि वो इतने वर्षों से पानी लाते थे लेकिन वो भाई जल नहीं काम आता था, लेकिन आखिर उनको एक छोटा सा मार्ग मिला जिससे आगे भाई चीज़ें खुलती गई, आखिर उनको हर चीज़ मिल गई भाई। लेकिन एक जो पार्वती जी भाई अब तपस्या कर रही है ना, वो बहुत मुश्किल है। एक तो पूर्ण हो चुकी है लेकिन आप देख ले कि वो पूरी हर तरफ भाई ऐसे भाई बर्फ जम चुकी है, ऐसे भाई हो गया, क्योंकि ये अगर देखा जाए तो भाई 14,000 साल बताया जा रहा है कि भाई उन्होंने एक की थी ये तपस्या भाई, देख लो भाई 14,000 साल। और ये मुश्किल बोल रहा हूँ कि भाई आसान नहीं, बहुत ज्यादा मुश्किल थी। आप देख लो कि इतने वर्ष भाई, इधर एक दिन भाई कुछ निकालना पड़ जाए तो भाई पता नहीं क्या से क्या हो जाता, लेकिन वो इतने साल थे भाई। बस फिर वो तपस्या हो भी जाती थी ना, एक अच्छी नीयत से करना या एक एक लक्ष्य होता था कि हमने ये चीजें करनी है उस टाइम आप संसार के कल्याण हाँ, के लिए सारी चीजें हो रही थी। तो उसके लिए हर चीज होनी थी, लेकिन अब भाई महादेव जी एग्री हो चुके हैं, एक जो मतलब के महाराज धीरज बगीरा उनका एक अब मसला हल हो जाएगा इसके लिए भैया। अब नहीं, अब गंगा जी ने बोला है कि वो आएंगे स्वयं एक बार आकर भाई, ब्रह्मा जी ने भी बोला है और महादेव जी भी इस चीज के लिए काफी एग्री हैं। बाकी आगे का सीन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिल्कुल ऐसे ही है, एक कन्फ्यूजन थी उनको, या मतलब एक जो डर था वो ये था कि महादेव जी जब तक ओके नहीं करेंगे उस वक्त तक जो है ना वो नीचे नहीं जाएंगी, या वो एक जो लफ्ज बोल रहे थे कि वो पहले ओके करना जरूरी है उनकी तरफ से, क्योंकि उन्होंने ही जो है ना वो उनको एक इधर भेजा था, वो सब कुछ ओके करके, लेकिन ये कि उनका अब जरूरी था उधर से। लेकिन ये कि एंड पे जो भाई सीन था ना वो देखने वाला था, बिल्कुल जो है ना वो पहाड़ के ऊपर तो एक फिर डिफरेंट रूप में नजर आए हैं, तो अब देखो आगे क्या होता है ये फिर। हाँ, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं भाई, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।